हेलो वियर्स, आज हम लेमन पेपर चिकन बनाएंगे। इसे लेमन चिकन भी कहते हैं। तो उसके लिए ये मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है और इसको लहसुन अदरक पेस्ट डाल करके पानी में डिप करके आधा घंटे के लिए कर दिया था डिप, और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका सारा पानी हमने ड्रेन कर दिया है, छलनी में रख दिया था। अब ये बनने के लिए तैयार है। और इसमें ये जो बड़े पीसीज हैं, इनमें मैंने इस तरह से ये कट्स लगा लिए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मसाला चला जाता है, अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाता है अंदर तक। तो आइए इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 1.5 लेमन ले लिया है, इसका जूस निकाल करके ये इसमें जाएगा। 1 टीस्पून सॉल्ट, ये 1 टीस्पून भर के गरम मसाला ले लिया है, ये इसमें जाएगा। ये बहुत आसानी से बन जाता है। 1/2 टीस्पून इसमें ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ये वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे, 1 एंड 1/2 को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्मियों में कभी कभी हल्के मसालों का खाने का दिल चाहता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये 300 ग्राम दही ले ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, ये इसमें जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा खट्टा चल जाएगा। और ये थोड़ा सा लिक्विड भी है, कोई बात नहीं क्योंकि हमें ग्रेवी भी बनानी है इसमें, तो ये इस तरह की दही चल जाएगी। ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है, इसको 1-2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब इसे आधा घंटे के लिए कम से कम तो रेस्ट देना ही है, हम 1-2 घंटे देंगे। और इसको इस वक्त गर्मियाँ हैं तो मैं फ्रिज में रख दूँगी कवर करके, मिलते हैं 1-2 घंटे बाद। 2 घंटे से चिकन मैरिनेट हो रहा था, अब ये मैरिनेट हो चुका है। इसे हम चिकन को या मटन को जितना देर तक मैरिनेट करेंगे इतना ही ये अंदर से जूसी और जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है, और फ्लेवर भी इसमें अंदर तक बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, एक बार और मिक्स करेंगे। चलिए गैस की साइड चलते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है। 1/2 कप ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हम इसमें बटर का भी यूज़ करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, ये चिकन के पीस डाल देंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट से एक साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से साइड चेंज कर देंगे। ये हमें इस तरह के ब्राउन डॉट्स चाहिए। 2 मिनट ही हम दूसरी साइड से बनाएंगे चिकन को। एक बार चला देंगे जिससे कि ये नीचे नहीं लगे। दोनों साइड से चिकन पर ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत से। चिकन को हम एक साइड करेंगे, बीच में जगह बना लेंगे थोड़ी सी। और ये कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जो इसमें जाएंगे। तो ये मैंने 6 लौंग ली है, 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 3 ये 2-3 तेज पत्ता है, 1 इंच दालचीनी का पीस है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और ये 1/2 फूल जावित्री का है। ये सब हम बीच में डाल देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह चटक जाए। अगर हम गरम मसाले पहले डाल देंगे तो इसमें जलने की स्मेल आ जाती है मसालों में, तो हम बीच में डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए करने हैं ये हमें। ये देखिए मसाले अच्छी तरह हो चुके, मिक्स कर देंगे। चिकन को हम
खोलकर ही फ्राई करेंगे। अगर हमने इस पर लिड कवर कर दिया तो ये पानी छोड़ देता है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये मैरिनेशन का जो बचा हुआ था मिक्स, वो डाल देंगे हम इसमें, क्योंकि हमें इसी से ही ग्रेवी बनानी है। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके करीब आधा पौना कप वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। एक छोटा कप भर के मैंने पानी ले लिया है, मिक्स करेंगे। ये बहुत कम मसालों में बहुत जायकेदार बनता है। लिड कवर कर देंगे और 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। इसको हम गलने तक पकाएंगे अब, तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। चिकन में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे गलने देंगे। आइए एक बार चेक कर लेते हैं चिकन को। बहुत अच्छी तरह बन रहा है ये, हमें बहुत अच्छा सा इसको गलाना है। अभी हल्का सा इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे, 5 मिनट के लिए और कवर कर देंगे इसको। आइए स्मूथ सी ग्रेवी के लिए हम सलेरी बना लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 3-4 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको भी एक साइड कर देते हैं। आइए चिकन को चेक कर लेते हैं। ये 15 मिनट से बन रहा है, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ये हमने 10 बारे काली मिर्च ले ली थी, इसको फ्रेश क्रश करा है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये इसमें डाल देंगे हम। ये 6-7 हरी मिर्च ले ली है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा तीखापन सा आ जाएगा इसमें। मिक्स करेंगे एक बार, हम इसमें नमक भी टेस्ट करेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून बटर डाल देंगे, बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। मिक्स कर देंगे। ये कॉर्नफ्लोर हमने तैयार करके रखा था सलेरी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डाल देंगे। पहले मिक्स करेंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। इसमें थोड़ी सी और डाल देंगे, ये हमने बचा लिया है। और चिकन को 3-4 मिनट के लिए बनने देते हैं, जिससे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। फ्लेम को स्लो कर देंगे। आइए चेक कर लेते हैं। ऑयल भी आ चुका है। ये नींबू के स्लाइस डाल देंगे, इसे बाद में ही डालना है, पहले नहीं डालना है, क्योंकि नींबू में छिलकों में कड़वाहट होती है, तो कड़वाहट आने का डर रहता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। वाह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो लाजवाब। लेमन चिकन बनकर तैयार है। गैस ऑफ करेंगे, कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए, सर्व करेंगे।